लास्ट टाइम तो बीवी के साथ आए ही नहीं थे. बीवी नहीं थी वो. किसी की तो होगी. Welcome to Toyota Presents, the Pick and Drop Show, powered by Toyota Corolla Cross, with Yasir Hussain. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट स्टार हैं. हम सब एक्टर्स जो बाद में आए उनके पसंदीदा एक्टर हैं, पूरी कॉम के पसंदीदा एक्टर हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है. बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल काम करते हैं, फिर कहूँगा मेरे फेवरेट. उनकी कुछ खसूसियात हमारी इस गाड़ी से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं. जैसे कि इस गाड़ी में है पावर टेल गेट विथ किक सेंसर, यानी कि अगर आपने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और आपके हाथ इतने फ्री नहीं हैं कि आप टेल गेट का बटन दबा सकें कि वो खुद बखुद उठ जाए, तो आपको सिर्फ अपने पैर के इशारे से उसको उठा देना है और अपना सामान अंदर रख देना है. ये इसलिए इनसे मिलती जुलती है क्योंकि मुझे लगता है हमेशा ये ऐसे करते होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा शॉपिंग के ये शौकीन हैं और जितने ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े और बहुत स्टाइलिश कपड़े ये पहनते हैं, तो इनके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है. दूसरी चीज़ जो हम अपनी इस खूबसूरत गाड़ी की उनसे जोड़ते हैं वो है टेरा रोसा इंटीरियर. ये इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही रॉयल है. और जब भी हम रॉयल वर्ड सोचते हैं तो टीवी का, एक्टिंग का एक ही किंग हमारे जहन में आता है और वो है दी फैसल कुरैशी, जो कि वहाँ खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. आइए आपको मिलवाता हूँ. आप बताएं किधर गायब हैं आप, हमको काहे नहीं मिल रहे हो भाई. काम में लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं. कितना काम करते हैं आप? मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा काम करने वाले एक्टर हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाले. और मैं अभी उस दिन किसको बता रहा था कि मेरे ख्याल में जितने एक्टर्स को जानता हूँ सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले अपने ऊपर, चीजों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, जैकेट्स के ऊपर. मैं आपको दुबई में शॉपिंग करते देखा है, मैंने किसी मिलियनेयर को भी शॉपिंग करते नहीं देखा कि आप इतना ज्यादा सामान डाल लेते हैं कार्ट में कि दो दो चाहिए होती हैं और आप कीमत भी नहीं देखते. कैसे करते हैं यार? पता नहीं, वो एक दफा तुम कह रहे थे ना कि मैं वो गैंगस्टर हूँ कोई. हाँ नहीं, पता नहीं, शौक है यार. आप इंसान काम करता है, ठीक है, आप फैमिली को सपोर्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने लिए भी ना कुछ करना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है. वरना आप बहुत ही आप वो हो जाते हैं ना कि मतलब यार आप कुर्बानियाँ ही दिए जा रहे हैं. मतलब ठीक है, कुर्बानी अपनी जगह. लास्ट कुर्बानी कब दी थी? ईद में ही दी थी मैंने. लेकिन आपको मजा आता है ये शॉपिंग करके? यार शॉपोहॉलिक तो आप हैं. मैंने शॉपोहॉलिक इर्द-गिर्द वाले जिस बंदे से पूछा है, मतलब वो जो है आदि तो बकायदा ऐसे अल्फाज यूज करने पे आ जाता है जो नहीं यूज करने चाहिए. वो मैं बताता हूँ लोगों को, असल में कुछ जब आप थोड़ी सी कुछ चीजों में महरूमियां देखते हैं तो फिर आप कहते हैं यार लाइफ में ना थोड़ा कुछ अब आपको इंजॉय करना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है. बिल्कुल ऐसे ही, जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरे तरीके से ही करना चाहिए. लाइफ पूरे तरीके से जीनी चाहिए, बट उसके लिए जितना काम करना पड़ता है. हाँ, जैसे आप माशाल्लाह हर जगह नजर आते हैं, मतलब बैक टू बैक आपके ड्रामास भी चल रहे होते हैं और बड़े बड़े ड्रामास. और वो तो ऑब्वियसली जिस कैलिबर के आप एक्टर हैं आपको वही ड्रामे मिलने चाहिए. कभी कभी मैं आपका कोई ऐसा ड्रामा देखता हूँ जो मुझे लगता है आप कैलिवर करने में, मुझे बड़ा गुस्सा आता है. लेकिन आप किचन भी चलाना होता है. हाँ, किचन आपका चलते चलते ईरान पहुँच गया. जितना आपने चला दिया तुर्की कर ले, तुर्की कर ले, तुर्की पहुँच गया. तो कितना को किचन चलाना होता है. लेकिन आप इतनी ज्यादा एक्टिंग करते हैं जब, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ड्रामे, इतने कैरेक्टर करने पड़ते हैं. अब दिलीप कुमार ने किए 50 फिल्में 50 साल में, तो एक साल में एक फिल्म, कैरेक्टर बड़ा एक्टर माना जाता है. आप इतने ज्यादा ड्रामा करने के बाद भी पाकिस्तान में एक बड़े और अच्छे एक्टर माने जाते हैं, इसका राज क्या है? क्या आपके पास दिलीप कुमार से ज्यादा एक्टिंग है? यार पता नहीं, दिलीप साहब तो खैर हमारे रीजन का बहुत ही बड़ा नाम है, और भी बहुत बड़े बड़े नाम है. बस वो कोशिश ये है कि जैसे कवि अंकल थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो कवि अंकल का भी आप अगर वॉल्यूम देखें ना काम का, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. और वेरिएशन देखें तो बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल ऐसे ही. तो वेरी अर्ली जब मैंने काम शुरू किया ड्रामों में, क्योंकि उससे पहले तुम्हें पता है एक बड़ी लंबी लाइन मारी थी फ्लॉप फिल्मों की. इतनी थी? हाँ, एक दो. तो
वो तकरीबन 10 साल के बाद जब मैं मेरा ड्रामा एक हिट हुआ बूटा फ्रॉम टूबा टेक सेंट, और जब समझ आया थोड़ा सा कि अच्छा ये काम है क्या, तो वो उस चक्कर में ना अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि फिर वो स्क्रिप्ट ऐसे आने शुरू हो गए कि नहीं भाई कुछ अलग है, इस दफ़ा कुछ अलग है, उस दफ़ा कुछ अलग है। दो के 19-20 ही होते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन उनको आप खुद भी वेरिएट करते हैं। अमीर भी लगते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, और आप गरीब भी लगते हैं। और बढ़िया कि आप गरीब कैरेक्टर करते बहुत कम है मैंने देखा। नहीं मेरा अभी बिल्कुल पसंद नहीं है गरीब लोग भी। नहीं यू हेट देम। नहीं अभी अभी मेरा एक नए चैनल पे चला था, मैं और हिबा थे उसमें, उसमें मैं खासा गरीब था। अच्छा हाँ अच्छा खासा गरीब था। सिर्फ कैमरे के सामने जैसी कैमरा, मैं गरीब आदमी हूँ यार, पक्के में जाते थे। नहीं नहीं मैं गरीब आदमी हूँ यार, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक। मैं गरीब आदमी। अच्छा ब्रांड्स भी बहुत पसंद है आपको। हाँ है ना, मैं आपके साथ एक ड्रामा किया था तो आप मतलब गुच्ची का पूरा सूट ही पहन के मैंने कहा ये लाखों रुपए चलते आ रहे हैं, इसको सपोर्ट सा कवर करो, कवर करो कि दाग दूग ना लग जाए। एक थी लैला हमने किया था, मेरा और इकरा का सीन, बहुत बहुत मजा आया था मुझे ड्रामा करके आपके साथ, और वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा मौका मिलेगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिल गया भाई उस पे, एक थी लैला में मिला आपको। वो स्पीच में मेरा नाम नहीं लेना भूला आपने। नहीं वो तो शमून ने अवार्ड उठाया। शमून ने उठा लिया। हाँ। शमून तो वापस नहीं करेंगे। ना करे यार, रख ले, अच्छी बात है। शमून भाई के पास चीज गई तो मैंने कल उसका मैसेज आया था मुझे। अच्छा। मुझे कह रहा था अगली मीटिंग, रख लिया। हाँ, कह रहा था अगली मीटिंग पे मैं लेके आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी अवार्ड उसने उठाया और मोहिब का भी। ओके अच्छा, उनको मोहिब को भी मिला। मोहिब को रजिया से मिला। अरे वाह 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 भाई, छा गए सीरीज तो। ये कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस मिनी सीरीज का? यार आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट है एक चैनल को, बिल्कुल, जिसने कुछ थोड़ी सी, हाँ मतलब एक्सप्रेस को मैं कह रहा हूँ, जिसने इस तरह से ना ये इनिशिएटिव लिया कि यार चलो कुछ अलग बनाते हैं। और उसमें हम पहले थे, एक थी लैला, और उसके बाद फिर वो सरमद वाला है, फिर रजिया है। रजिया पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा, सरमद वाला भी बड़ा ज़बरदस्त था जिसमें सभा थी, बिल्कुल, और भी वो अभी काम कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज लोग देखना चाहते हैं यार, एक ही तरह के ड्रामे ऑब्वियसली नहीं बनते, लेकिन यह है कि वो एक पैटर्न बन जाता है ना हमारे यहाँ के, यही ड्रामा हिट होना है। अब एक थी लैला को उतने व्यूज़ नहीं मिले, बिल्कुल, रजिया को उतने व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन जिस जिसने देखा है उन्होंने तारीफ की है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यार कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए, हमारे पास पोर्टल तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या करें फिर हम चैनल। अच्छा, आपने ये खई ड्रामा जो किया है पख्तून वाला, तो पोर्टल भी आपका वो गया, हमारे पास पोर्टल तो है ही नहीं। हमारा पास तो कुछ है ही असल नहीं। मैं अभी प्रोमो देखा ना उसका। कैरेक्टर से निकलने में कितना टाइम लगता है आपको? बमुश्किल 30 सेकंड। अच्छा हाँ, उस कैरेक्टर से नहीं जिसके बाद लोग कहते हैं यार इस बंदे का कैरेक्टर नहीं ठीक। टीवी वाले कैरेक्टर से सीरियसली 30 सेकंड। मैं नहीं उसमें रहता, ये मैं काम करते हुए उसमें नहीं रहता, तो मतलब हमें देखा कट के बाद आप चेंज हो जाते हैं। कट के बाद मैं कुछ और होता हूं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है आपकी। अच्छा, आपकी दोस्तियां बहुत है इंडस्ट्री में, जो मैंने नोट किया। हाँ। यार बाश आदमी है। हाँ, मतलब आपकी तरफ भी लोग आके बैठते हैं, आप भी मिलना पसंद करते हैं जब टाइम मिलता है, मतलब मुझ जैसे नाचीज से भी आप मिल लेते हैं। ओह माय गॉड, इतना टाइम निकालते हैं आप। सोचो मैं 2 घंटे ड्राइव करके आता हूँ तुमसे मिलने। तो आप स्लो नहीं चलाएं ना, 1 घंटे का सफर आप 2 घंटे, आप 1 घंटे कहाँ जाते हैं? बीवी तेज नहीं चलाने देती। तो लास्ट टाइम तो आप बीवी के साथ आए ही नहीं थे। बीवी नहीं थी वो। किसी की तो होगी। तेरी तरफ समय के बगैर नहीं आता। अच्छा, तो आपके इतने ज्यादा दोस्त हैं, इनमें से बेहतरीन दोस्त कौन? वो नहीं हम जिस पे हमने ऐसे लिखे थे एक जमाने में, ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। यार देखो, बेहतरीन दोस्त, रात 3 बजे भी कॉल करूं तो गेट पे है, ऐसा तो खैर इजाज ही है। इजाज हाँ, शहजाद भाई भी हैं, शहजाद नवाज। अच्छा। नबील भाई भी हैं, सोहेल जावेद भी है, तुम भी हो, असद भी है। दोस्तियां बनाई हैं आपने? दोस्ती यार देखो, एक ऐसा रिलेशन है ना जिसमें कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब, अब बड़े लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, हालांकि मैं तुम्हें सच बताऊं कि चाहे वो अदनान है चाहे वो हुमायूं है, हम लोगों की भी बहुत दोस्ती है। मतलब हुमायूं के साथ अल्लाह का शुक्र है मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। यकीन इस बात पे है कि
जो आपका काम है ना वो आपका काम है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता. जाहिर. तो आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि जो आपको मिलना है वो आप ही को मिलना है. खाम खां जलने के लिए और फलाना हो रहा है और तकलीफें हो रही हैं, ये तो आप में बड़ी अच्छी बुरा लग रहा है. अच्छा वैसे ये आपकी सारी लॉट में ही वाली बात है, कुछ जलवल नहीं रहा किसी से भी? नहीं, सब अपने काम में अपने ट्रैक पे लगे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है सभी काम कर रहे हैं. और अब तो मेरे ख्याल से कोई नया लड़का भी आता है तो वो भी माशाल्लाह से इतना काम कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं होती. हाँ, जो हुमायूं हैं वो जरा फिल्म की तरफ ज्यादा लगे हुए हैं. फहद उधर लगा हुआ है, फहद अपने शोज और फिल्म की तरफ लगे हुए हैं. आपने ड्रामे को पूरी तरह पकड़ा हुआ है. अदनान से देखिए एक और काम पे लगे हुए हैं. वो किस काम पे लगा? मतलब कि उनके डिफरेंट किस्म के काम है ना, प्रोडक्शन में भी हैं. हाँ हाँ, अच्छा, वो एक डिफरेंट उस पे हैं. वो हर वो फिल्म पे भी हैं, वो ड्रामे में भी हैं, अपनी मर्जी से वो कुछ ना कुछ कहीं भी पाए जाते हैं. प्रमोशंस वो बिलबोर्ड पे ज्यादा होते हैं. हर किसी के आज से नहीं, हमेशा से. हमेशा से स्मार्ट हैं, अभी गुड लुकिंग आदमी बहुत माशाल्लाह. अब तक कोई अल्लाह ने उनको ना एक टच भी नहीं किया इधर से उधर. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे सबको यार. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, आप में ना एक नुमान भाई की झलक नजर आती है. नोमी भाई जो है, नुमान एजाज साहब. एक वो उनको भी ऐसा लगता है, लोगों को भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह के वो अदाकार हैं, जो इंटेंसिटी है उनकी, और फिर आपने भी ज़रा पंजाब से शुरू किया है, वो भी पंजाब से हैं, तो वो एक ख़ास कहीं ना कहीं कुछ जाके मिलता है हल्का फुल्का. आपको ऐसा लगता है? यार देखो, मैं अब ना तुम्हें ये तुम बड़ा अच्छा सवाल किया. क्यों किया? अच्छा मैं बताता हूँ. हमारी जो एक वो टाइम होता है ना जिसमें आप कुछ शौक पैदा होता है दोबारा से कि यार हीरो बनना है यार, तो उसमें एक शान साहब जिनकी बुलंदी आई थी. बिल्कुल. और उनके बाद हमें नजर आए, उनकी बुलंदी कभी गई नहीं, अल्लाह ना करे कभी जाए भाई, वो ऐसे ही कामयाब रहे. और एक हमें टीवी पे नजर आए नुमान एजाज. बिल्कुल. तो ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने ना वो जो कीड़ा होता है उसको जगा दिया. आपको कौन नजर आता है अब जिसमें आपको लगता है इसमें फैसल कुरैशी नजर आता है मुझे? यार अब ये मैं क्या कह सकता हूँ. नहीं, आपको तो नजर आता होगा ना यार, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसकी इंटेंसिटी वही है या कोई इसका जोश जुनून. यार मैं तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं. अभी जितना काम कर रहे हैं मैं अपने से नहीं मिला रहा उनको. लाइक हमारा वहाज है, इमरान है, बिलाल अब्बास है. इन तीनों को मैं जब इनका काम चल रहा होता है मैं देखता ज़रूर हूँ. मैं तो बकायदा इनके सीरियल्स भी फॉलो कर रहा होता हूँ. और ये जो नई लॉट आई है उसमें कौन आपको लग रहा है कोई प्रॉमिसिंग जो इस लेवल तक जाएगा वहाँ? यार एक अपना हमजा सोहेल साहब का जो बेटा. अरे भाई, सीट पे बैठ के कौन बंदा है जिसने नहीं कहा कि हमजा सोहेल प्रॉमिसिंग है? हाँ, सब ने कहा. ही इज वेरी प्रॉमिसिंग. बिल्कुल. मुझे खुशहाल बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा. ही इज वेरी गुड. जिनके मैंने काम देखे हैं अभी तक. जब आपके दोस्तों पे वापस आते हैं, हम कल परसों बात कर रहे थे कि एजाज भाई को अगर आप वैसे कभी फोन कर लें. हाँ. और कहें कि यार मुझे कोई ये वाला प्रॉब्लम है. हाँ. कोई स्किन में. हाँ. तो एजाज भाई एक दुकान खोलते हैं और चीजें. तो आप जो इतने अरसे से उनके साथ हैं. हाँ. तो क्या आपकी ब्यूटी का राज एजाज असलम है? यार देखो, एजाज का जो सबसे एक एक मजे की चीज है ना, अब जैसे गाड़ी लेनी है. हाँ. तो मैं एजाज को अभी फोन करूंगा. ठीक है. हाँ. कि यार एजाज मुझे ना ये गाड़ी बड़ी अच्छी लगी है. हाँ. मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ले लेता हूँ. तो कहेगा मैं रुक जाओ. मैं तुम्हें परसों बताऊंगा. तो वो दो दिन रिसर्च करता है. ठीक है. और एजाज के भी बाप हैं उनके जो साहबजादे हैं गाड़ियों के मामले में. अच्छा. हाँ. मोहम्मद जो है वो गाड़ी की आवाज़ सुन के बता देता है कि कौन सी गाड़ी और इसमें क्या प्रॉब्लम है. ऐसी अल्लाह ताला ने उसको ये चीज़ दी. क्या हम एक काम कर सकते हैं, एजाज भाई को फ़ोन करके कह सकते हैं आपको ऐसी स्टूपिड बात करें. हाँ. कोई ऐसा बाइक उनको बताएं खरीदने को जो वो इनकार ही करेंगे. है? और आप कहें कि मैंने वो भाई वॉल्वो मैं तो बयाना दे दिया उसका. एक बार ट्राई करते हैं. शूट पे है इस्लामाबाद में. पता नहीं फ़ोन उठाता है नहीं उठाता उसको. एजाज भाई एजाज फ़ोन उठाते हैं. नहीं पता नहीं. स्पीकर पे कीजिएगा क्योंकि. हाँ स्पीकर पे मिलाया भाई. बेल जा रही है, बेल जा रही है. हेलो. हाँ भाई क्या हाल है? Yo. क्या हो रहा है बेबी? बस कुछ नहीं, काम. अच्छा सुनो यार, वो चाइनीज बाइक्स जो आई हैं वो कैसी हैं? बस वो रखने वाली है फिर वो बिकती बिकती नहीं है. पार्ट्स वार्ट्स का मुझे नहीं पता. अच्छा. मतलब चाइनीज बाइक्स बेकार हैं बिल्कुल.
पिक्चर भेजो मुझे, ले लूं पिक्चर भेजो, पिक्चर भेजूं। हाँ अच्छा, यासिर भी सलाम कह रहा है तुझे। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम इजाज़ भाई, मसरूफ चल रहे हैं? हाँ बस फैसल भाई ने लगा दिया काम। ये फैसल भाई मुझे एक बाइक दिला रहे हैं। अच्छा हाँ, ये चाइनीज बाइक है और ये 28 लाख की कह रहे हैं। बड़े अरसे से आई हुई है मार्केट में, मैं बस इससे यही कह रहा हूँ कि बस फिर आप रख लें। 28 लाख की कह रहे हैं ये? कितनी? 28, 28 लाख की। 28 की पुरानी हार्ले ना ले लो फिर तो। पुरानी हार्ले तो पार्ट्स का मसला तो नहीं आएगा पार्क टावर से? क्या मैंने कहा पार्ट्स का मसला तो नहीं आएगा पार्क टावर से? नहीं पार्ट्स नहीं, हार्ले के पार्ट्स का मसला नहीं आएगा, चाइनीज पार्ट्स का मसला। ओके तुम्हारे पार्ट सही चल रहे हैं? पार्ट्स का क्या मसला है दुबई में मिलते हैं सब, और यहाँ पर सब मिलता है दो शॉप्स। यार मैंने कहा तुम्हारे पार्ट सही चल रहे हैं? ओ बेहतरीन भाई, जबरदस्त। अच्छा हम शो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने अभी फोन किया था तुझे, चल एंजॉय कर। लव यू इजाज़ भाई, लव यू। ओके ओके ओके, कभी गलत मशवरा नहीं दिया। वो इतना ही देख और तस्वीर भेज। मैं तुझे बता, फिल्म कर रहे हैं आप जी, कंप्लीट किए भी आपने और एक की शूट पे जा रहे हैं, राफे राशिदी बंद कर दी है। राफे राशिदी की फिल्म कर ली मैंने पूरी, अच्छी मजे की हॉरर फिल्म है माशाल्लाह। और अब अबू अलिया की फिल्म पे जा रहा हूँ। ओके, और अपनी वाली बंद कर दी मैंने, अपनी वाली बंद कर दी। हाँ ओके, सैड है उसके लिए ऑब्वियसली यार, नुकसान भी है, इमोशनली बहुत इन टच था मैं, मेरे लिए सुहेल के लिए बहुत दिल के करीब थी हमारे वो फिल्म, क्योंकि उसमें हमारी एक और दोस्त थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अस्मा नबील, वो भी को राइटर थी उस फिल्म की। द फिल्म वॉज बेस्ड ऑन कैंसर, तो वो सुहेल और अस्मा के तो बहुत करीब थी वो दोनों के, तो वो ऑब्वियसली एक हो जाता है फिर, दर्द तो होता है बिल्कुल। हाँ और उसी के लिए वो फिल्म बनी थी, इसका नाम था सॉरी सॉरी। अच्छा जब पहले आपने फिल्म्स की थी, हाँ तो पहली हीरोइन याद है आपको? हाँ हाँ, मेरी नरगिस थी पहली हीरोइन यार, नरगिस जी थी। हाँ सजा में नरगिस थी मेरी हीरोइन, सजा के तौर पे? तो नहीं नहीं सजा के तौर पे, सजा फिल्म का नाम था। हाँ ओके, और मेरी नंगे पांव थी उसमें, इरम ताहिर थी। ओके, फिर मेरी पनाह थी जिसमें साहिबा जी थी। अरे वाह, तो काफी सारी लीडिंग लेडीज के साथ काम किया। हाँ और जो बाकी फिल्में थी उनमें भी ऐसे कोई मशहूर नाम? सभी थे, माँ सिवाय रीमा जी के मैंने उस जमाने में तकरीबन सबके साथ, नीली जी के साथ काम किया, खुशबू के साथ काम किया। आपने नीली बेगम के साथ? नीली बेगम मतलब हीरोइन नहीं थी उसमें मेरी, लेकिन ये कि शी वाज देयर। ये दाढ़ी कब रखी आपने? यार ये मैंने सबसे पहले रखी थी घोस्ट में, मेरा एक सीरियल था, मैं समीना पीरजादा, नादिया जमील, सानिया सईद, सवेरा नदीम, आसिफ रजा मीर, हम थे घोस्ट एक हमारा सीरियल। तो बाबर ने मुझे जिद करके दाढ़ी रख, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा भाई छोड़ दी। फिर मैंने, मेरे ख्याल जैसे उसने कहा था वो तो घंटे में निकल आई थी दाढ़ी मेरी, तो वो मैंने पहली दफ़ा उसमें रखी थी। टॉप 3 डायरेक्टर्स आपकी ज़िंदगी में कौन है जिन्होंने आपके साथ काम किया? ऑब्वियसली बाबर जावेद इज़ ऑन द टॉप बिकॉज नंबर वन, मैंने और बाबर ने काम बहुत किया है साथ में, बहुत हिट्स हैं, बहुत हिट्स हैं, मतलब काउंट ही नहीं कर सकता मैं। फ्रॉम सही टीवी का स्टार बनाने में वो बाबर का बहुत बड़ा हाथ है। फ्रॉम मनो सलवा से लेके मेरे ख्याल से कितने ड्रामे हैं मेरे, मनो सलवा, माने ना दिल, झुमका जान, घोस्ट, कैद तन्हाई, मेरी जात जरा है बेनिशान, सो ये सारे बाबर के ड्रामे हैं और बैक टू बैक हैं, और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि किसी में गैप आया हो। बाबर जिन है, उसके साथ मेरे बहुत ड्रामे थे। फिर उसके बाद महरीन के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, हर जाई मैंने किया। फिर आतिफ हुसैन, अल्लाह जिन्ना नसीब करे, उसके साथ मैं 2-3 ड्रामे किए थे। और 3 में ये लोग आ रहे हैं? हाँ और भी बहुत लोग। रिसेंट आपका कोई? यार रिसेंटली आई वर्कड विद, मैंने अली फिजान ऑब्वियसली मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन मैंने अभी वजाहत के साथ जो है खई किया, होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ डायरेक्टर। मैं आई वाज लर्निंग फ्रॉम हिम कि यार एक आदमी को इतना पता होना चाहिए और इन्वॉल्वमेंट और इतनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एक डायरेक्टर की,
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको एग्जैक्टली पता है कि वो जो जिसके 10 सीन है उसके क्या कपड़े होने चाहिए, उसकी क्या लुक होनी चाहिए, जिसके 500 सीन है उसका भी उसको पता है, जिसके 200 सीन है उसका भी उसको पता है, वो मेल है वो फीमेल है, वो जूती कौन सी पहनेगी, वो कपड़े कौन से पहनेगा. ही इज़ इन टू एवरी थिंग फ्रॉम ज्वेलरी टू लुक टू यू नो लाइक ही इज़ अनबिलीवेबल. किस इलाके का आपको ज़्यादा मज़े क्या लगता है ये बोलने का अंदाज यार? मुझे तो खैर अब पंजाबी बिकॉज लाहौरी हूँ मैं उर्दू स्पीकिंग, लेकिन मुझे वो मेरा जो मैं कहता हूँ मेरा होम ग्राउंड है दैट्स पंजाबी. लाहौर में काम करने का और कराची में काम करने का दोनों का एक्सपीरियंस आपको बेतहाशा है. हाँ, तो क्या ज़्यादा मज़े का इन्वायरमेंट काम का कहाँ है? देखो मज़े की अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ वो लाहौर में. हाँ, वो चिल है ना. हाँ, हो जाएगा कर लेंगे वो वाला काम है ना कि आप सेट पे गए मैं कुछ मंगाइए. हाँ, लो जी खाने आ रहे हैं. हमारा एक दोस्त फिल्म लिखवा रहा था, कहता मैं लाहौर का राइटर ले लिया है. कहता मैं उसके पास जाऊंगी सर कितने सीन हुए? कहता यार बैजा पहले कढ़ाई से मंगाई होते खा लेगी. कहता अब हम कढ़ाई खाएं, उसके बाद उनके दो दोस्त आ जाएं, वो बैठ के गप्पे शप्पे उनके साथ. कहता हम भी हंसी को इतना हंसी मजाक हो रहा है कि आप क्या बोर ही नहीं हो रहे? कहता फिर रात होगी आप कहें यार मैं तो जा रहा हूँ, चल कल आ जाए फिर टाइम नाल. कहता कल मैं पहुंचा तो यार चापा मंगाइया ने उतो इन्नी दूरों लै के आया मुंडा चापा. कहता यार खा तू भाई भोला ए दो घंटे लिए आंदा सिर्फ. अच्छा, नाराज भी हो जाते हैं. पता है आपको अगर आप कहीं गए हैं तो और आपने नहीं खाया नाराज भी हो जाता है यार मैं अड्डे प्यार नाल तेरे लिए मंगाया सी ए तू की कर रहे है तो वो एक वहां पे वो चिल मॉल है. कराची में इट्स मोर इन टू यू नो प्रोफेशनलिज्म के यार मतलब 10:30 बज गए आप पहुंचे क्यों नहीं है अभी तक. आप पहुंचते नहीं है, कैमरा पहले लगा हुआ है, लाइटें हुई खाने का भी ऐसे पूछते हैं कि खाना लेंगे मतलब या नहीं लेंगे. कई दफा तो ये होता है यासर के कराची में अब तो खैर यही काम कर रहे हैं कि कई दफा चूंकि काम कभी होता है ना कि आपने किसी एक्टर को फ्री करना है या कुछ करना है तो वो तो लंच भी जो है वो आप बस चलते फिरते ही करते हैं. अच्छा आप फूडी हैं, आप खाने का बहुत शौक है. मैंने आपको खाते हुए देखा है और आपको ना खाते हुए भी देखा है. और ना खाते हुए आपको लोगों को खाते हुए भी देखा है. कि मैं तो नहीं खा रहा और तू खा रहा है तो मैं तुझे देखूंगा. मैं देखूंगा. और जब आप खाते हैं तो आप ऐसे खाते हैं जैसे कोई लड़ता है? असल में भाई 15-20 दिन के बाद खाता हूँ तो फिर तो लड़ना ही बनता है ना. क्यों इतनी डाइट करते हैं तो सारा जैसे आप कह रहे हैं मैं काम करता हूँ कि मैं अपने ऊपर खर्च करूँ तो काम करता है बंदा कि यार वो कुछ नहीं तो उसके बाद फिर काम करने जोगा नहीं बचूंगा. तो मतलब यहाँ पेट आ जाता है मेरा. इतना बड़ा मुंह हो जाता है मेरा. तो आप पे चढ़ता है मतलब मुझे बहुत जल्दी लगता है. तो मैं डाइट इन अ सेंस नॉट डाइट मैं कंट्रोल खाना खाता हूँ. और मैं जैसे कार्ब्स नहीं लेता, मैं शुगर नहीं लेता जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है. फिर जिम भी जाना होता है. जिम भी आप बहुत शिद्दत से जाते हैं. मैंने एक दफ़ा देखा आप और उससे सदीकी को जिम जाने को नहीं मिल रहा था तो आप लोग सेट पे एक दरवाजे में कुछ फंसा के तो आप वो मेरे पास रोप्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं. वो मैं कहीं भी जाता हूँ. अभी जैसे मैं गिलगित में भी था तो जब एक दो दिन मैं नहीं जा पा रहा था तो मैं वो अपने वेट्स और रोप्स लेके गया था. मैं वो कर रहा था. बहुत ज़रूरी है यार, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लोगों को समझाता हूँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए. अच्छा एक बड़ी कॉमन सी बात है जो सब कहते हैं, मैं जो भी सीट पर बैठता है मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ और मोस्टली नहीं की जवाब दिया, वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. माशा में कितनी सच्चाई है? नेचुरल टैलेंट बहुत है. नेचुरल टैलेंट बहुत है. उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है. वी नीड इंस्टीट्यूट्स क्योंकि टेक्निकलिटीज़ हैं थोड़ी सी जिस पे काम करना पड़ता है. हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑन ग्राउंड आके सीखते हैं. उनको एक ड्रामा दो ड्रामा करने के बाद उनको समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से. अब इस तरह का रिस्क हर प्रोडक्शन हाउस नहीं लेता है, बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेज लेते हैं. फिर पब्लिक उसको उतनी आसानी से डाइजेस्ट भी नहीं करती है नए लोगों को. तो वो अगर थोड़ा सा इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँ, वहाँ पे लोगों को रिफ़ाइन किया जाए, उनको टेक्निकलिटीज़ सिखाई जाएँ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं 6 महीने का एक छोटा क्रैश कोर्स करवाया जाए. सो वही 6 महीने जो उन्होंने पहले ड्रामे या दूसरे ड्रामे पे लगाने हैं वो उनको एक जगह पे करवा के और वहाँ से निकाला जाए तो मेरे ख्याल से और बेहतरी जो है आ सकती है. हो सकती है. थोड़ी
थोड़ी डेप्थ भी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है. बाकी नेचुरली अगर तुम देखो तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप कहते हैं अरे भाई वाह 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 ये कहाँ से आया भाई ये कहाँ से आई. आपने गाना गाया अल्लाह माफ करे. शो यार ये क्या पहले गा लेते हैं बाद में माफ किया एक ही गाल हुई. ओए मैं तो दौड़ गया था उससे लेकिन चलो. अरे भाई मेरा काम ही नहीं है गाना गाना. नहीं बिल्कुल सुनते हैं. सुनता तो बहुत हूँ मैं. सुनते हो गुनगुनाते हैं. किसका किसी का भी गाना गुनगुनाते हैं. गुनगुनाता हूँ फिर जब अपनी आवाज कानों में पड़ती हूँ मैं कहता हूँ तू गा ले भाई तू अच्छा गा रहा. बट मैं देखता हूँ आप स्ट्रीट फैशन भी करते हैं बड़ा दबाव. हाँ मैं स्ट्रीट फैशन भी करता हूँ. आपने अपनी ये मैंने लाइन ये स्ट्रीट फैशन का पहना हुआ है. आपने कोई लाइन शुरू की. कर रहा हूँ जब तक तुम्हारा ये आएगा इंशाल्लाह शायद हम शॉप खोल चुके होंगे माशाल्लाह यहीं कराची में. कराची में फिलहाल. ये स्ट्रीट फैशन है यार. स्ट्रीट भी है और थोड़ा एक्सक्लूसिव भी रखूं. ओके तो मतलब मेरे तो मसले हल होने वाले हैं. यस ब्रो ये तो तुम्हारे नहीं बहुत सारे हो गए साला. मुझे लगता है मैं दुकान मुफ्त में ही चलाऊंगा. बहुत सारे अरे भाई हमारा ये वो करियाने वाले अंकल होंगे जिनकी टॉफियां बच्चे वैसे ही खा जाएंगे. सर बहुत मजा आया आपके साथ. बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया. कोई मसला नहीं. और इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई. इतना लुफ्त आया. लुफ्त बहुत लुफ्त आ गया मेरे को. बॉस जब भी आपको कॉल करता हूँ फोन उठाते हो यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैं प्यार ही बड़ा करता हूँ तुमसे. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत बाकी बहुत दिल से प्यार करते हैं. बहुत दुआएं देते हैं मुझे. बहुत दुआएं देते हैं इकरा को. बहुत दुआएं देते हैं सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बहुत मजा आया मुझे. लव यू यार. चलो कहीं कुछ खाने चले. चलो.